मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन प्ले करने वाला है सेंट्री को? 50 सेंट ने GTA 6 का कौन सा हिंट दिया है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शर्लॉक होम्स 3 कब बनेगी? और क्या टॉम होलैंड का भी स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का हिस्सा बनेगा? इसके जैसे और भी बहुत सारे गजब के अपडेट्स इस हफ्ते आए हैं, जिन सबसे अपडेट होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं वार्नर ब्रोस की तरफ से आने वाली कई सारे डेवलपमेंट की खबरों के बारे में, जहां पर वार्नर ब्रोस के न्यू लाइन सिनेमा के अंदर बनी हुई ओरिजिनल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के नए मूवीज को अनाउंस किया गया है, जहां पर वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के सीईओ डेविड ज़स्लाव ने इस बात को अनाउंस करते हुए बताया कि माइक डे लुसिया और पैम एबी इन मूवीज पर एक्चुअली काम कर रहे हैं और इनके आगे के प्लान्स को भी जल्द ही रिवील किया जाएगा। साथ ही साथ इट के पेनीवाइज की एक लाइव एक्शन ओरिजिन टीवी सीरीज को एचबीओ मैक्स के लिए प्लान किया जा रहा है, जिसका नाम एक्चुअली वेलकम टू डेरी होने वाला है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है टॉम होलैंड के स्पाइडरमैन से रिलेटेड, जहां पर अपेरेंटली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1 के अंदर हमें टॉम होलैंड का स्पाइडरमैन एज अ लाइव एक्शन एमसीयू स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है, जहां पर इस बात को क्लेम किया जा रहा है कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन एक्चुअली एमसीयू के लाइव एक्शन यूनिवर्स के अंदर भी हॉप इन करेगा और इस मूवी के अंदर अलग अलग यूनिवर्सेस के हिसाब से यहां पर माइल्स मोरालेस के अंदर भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। और अगर हम थ्योरीज और रूमर्स की ही बात कर रहे हैं तो एक और चीज को यहाँ पर हवा दी है एंथनी मैकी ने, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सैम विल्सन, फैल्कन और कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पर जिमी किमल लाइव शो के दौरान उनसे ये बात पूछने पर कि क्या कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तो साफ कहा है कि कैप्टन अमेरिका मरे नहीं है और हर कोई कैप्टन अमेरिका को मारना क्यों चाह रहा है। अब ये पर्टिकुलर चीज फैंस को बहुत सारी चीजों को स्पेकुलेट करने पर मजबूर कर रहा है एंड डेफिनेटली लंबे समय तक मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी ओल्ड स्टीव रॉजर्स की भी कहानी चल चुकी है, तो अगर ये पर्टिकुलर चीज सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के दौरान मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होती है तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। साथ ही साथ एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने ये भी रिवील किया कि इसी साल के मार्च की शुरुआत से कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फिल्मिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ रिसेंटली उन्होंने ये भी रिवील किया कि मार्वल इस बार अपने लीक्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्हें लिटरली अपने स्क्रिप्ट को एक कंप्यूटर में एक आदमी के सुपरविजन के अंडर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है और उसकी अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन सेट किया जा रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है लीकर्स पर कि वो कोई न कोई दूसरा रास्ता जरूर अपनाएंगे। इसके अलावा और कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी से, जहां पर फिलहाल सेकंड वीक के अंदर इस मूवी का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 70% से नीचे गया है, जहां पर इस मूवी ने अब तक $363 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए हैं, जहां पर डिज्नी फैंस को इस बात का भरोसा दिला रही है कि ये मूवी अभी आने वाले कई हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर एक्चुअली टॉप स्पॉट बरकरार रखेगी। इसके अलावा रिसेंटली फैंस की तरफ से इसके एंडिंग को बैकलैश मिलने के बाद डायरेक्टर पेटन रीड ने इस चीज को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि उन्होंने इसके एंडिंग को जानबूझ के एक ओपन बुक की तरह रखा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते इस बात को एक्सप्लेन किया था कि एक्वामैन 2 के अर्ली रिव्यूज उतने कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं, यहाँ पर अपेरेंटली इस मूवी को सुधारने के लिए कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, जहाँ पर कहानी के कई सारे एलिमेंट्स को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब बस मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि साल भर के अंदर अंदर वो इस मूवी को आखिर कैसे बचा पाएंगे। इसके अलावा द फ्लैश मूवी के अंदर एक्चुअली एक और कैमियो के रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर जैसा कि इस मूवी के ट्रेलर के अंदर हमें दो बैटमैन ऑलरेडी दिख चुके हैं, इस बात की यहां पर अब खबर निकल कर आ रही है कि बिहाइंड द सीन द फ्लैश मूवी की एडिशनल फोटोग्राफी भी चल रही है और हो सकता है कि यहां पर किसी प्रकार के क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन को शूट किया जा रहा है, जहां पर अपेरेंटली हो सकता है कि ये कैमियो एक्चुअली जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन का हो। अब पता नहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वापस आ पाना पॉसिबल है भी या नहीं, लेकिन उनके दूसरे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर यानी शर्लॉक होम्स की थर्ड मूवी बहुत ही लंबे समय से लटकी हुई है और यहाँ पर एक्चुअली डायरेक्टर गाय रिची ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि थर्ड मूवी तभी बनेगी जब यहाँ पर एक्चुअली रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपनी तरफ से हाँ कहेंगे। थर्ड मूवी को एक्चुअली प्लान किया जा रहा था, लेकिन कोविड के दौरान इस पूरी की पूरी मूवी का ही प्रोडक्शन एक्चुअली बिगड़ गया, जहाँ पर एक्चुअली इस मूवी के अंदर सैंडर कॉर्नलियोस नाम का एक विलन तो दिखने ही वाला था, साथ ही साथ हमें यहाँ पर सेबेस्टियन मोरन अपने कैरेक्टर पॉल एंडरसन के रूप में भी दिखने वाले थे। इसके अलावा डिज्नी के बहुत ही पुराने एनिमेटर बर्नी मैटिसन इस साल के 27 फरवरी को 87 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। इन्होंने एक्चुअली 40s के जमाने में डिज्नी को ज्वाइन किया था और ये वन ऑफ द लास्ट एम्प्लॉयज में से एक हैं जिन्होंने एक्चुअली ओरिजिनल वॉल्ट डिज्नी के साथ काम किया था और इन्होंने 1955 की डिज्नी की लेडी एंड द ट्रैम्प मूवी से अपने करियर की शुरुआत की थी।
इसके अलावा एक और खबर निकल कर आ रही है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर स्पाइडरमैन इंडिया की कास्टिंग के बारे में, जहां पर एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन अमेरिकन एक्टर करण सोनी, जो डेडपूल मूवीज के अंदर डोपिंदर का भी रोल प्ले करते हैं, वो इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन इंडिया को इंग्लिश में प्ले करेंगे। इसके अलावा कास्टिंग की बात चल रही है तो मार्वल की एक और कास्टिंग की खबर हमें पिछले हफ्ते पता चला था, जिसमें अमेरिकन कोरियन एक्टर स्टीवन युआन को एक्चुअली थंडरबोल्ट्स मूवी के लिए कास्ट किया गया है। अब कुछ नई रूमर रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि उन्हें एक्चुअली इस मूवी के अंदर सेंट्री के रूप में दिखाया जाएगा। अब देखते हैं कि ये बात कब सच होती है। इसके अलावा RRR से जुड़ी हुई एक और खबर निकल कर आ रही है, जहां पर फाइनली RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को एक्चुअली चुन लिया गया है ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर परफॉर्म करने के लिए, जिसे इस सॉन्ग के ओरिजिनल सिंगर्स और म्यूजिक कंपोजर MM कीरावनी लाइव परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ ये सॉन्ग एक्चुअली एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के दिस इज अ लाइव गाने, टेर इट लाइक अ वुमन के अप्लॉज गाने, टॉप गन मैवरिक के होल्ड माई हैंड गाने और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिफ्ट मी अप गाने के साथ ऑस्कर्स के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनेट भी हुई है, और इन सॉन्ग्स को भी इंडिविजुअली परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा कुछ गेमिंग की भी बात कर लेते हैं। रैपर कर्टिस जैक्सन, जिन्हें आप 50 सेंट्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वॉइस सिटी का लोगो तो था ही, साथ ही साथ उन्होंने एक लाइन भी ऐड की थी जिसमें उन्होंने GLG यानी ग्रीन लाइट गैंग के बारे में बताया था, और वहां पर उन्होंने लिखा है कि आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर, जिसके कारण यहां पर फैंस इस बात को स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहां पर 50 सेंट्स एक्चुअली GTA 6 के अंदर एक पार्ट होने वाले हैं, और क्या पता वो एक प्लेबल कैरेक्टर भी हों। इसके अलावा रिसेंटली यहां पर पोकेमोन की एक स्टॉप मोशन एनिमेटेड सीरीज पोकेमोन कॉन्सियर्ज को अनाउंस किया गया है, जिसका ट्रेलर एक्चुअली नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज किया गया। इसके अलावा एक और बहुत ही बेहतरीन खबर निकल कर आ रही है, जहां पर एक्टर जैक केसी हेलबॉय की नई रिबूट मूवी के अंदर हेलबॉय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। सो गाइज, ये थे इस हफ्ते के सबसे बेहतरीन अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से बेहतरीन अपडेट्स के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।